तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे दो नंबर्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट करने जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट करके हमको मिले 182। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना, लेट यहाँ पे मैंने इसको ले लिया फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, यहाँ से इसको मैंने पकड़ लिया एक्स। अभी जो हमारा सेकेंड नंबर है ना, वो होगा 27 माइनस एक्स। कभी हम इसको वाई लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल को यहाँ पे लेके चलेंगे, दो वेरिएबल नहीं डालेंगे क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी प्रॉब्लम हमको होने वाली है। तो इसमें जो हमारा सेकेंड नंबर होगा ना, सेकेंड नंबर ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 27 माइनस एक्स। अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमको गिवन है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लेते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 27 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारा हो गया ये 182। ओके, तो आई होप आपको इतना पकड़ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अभी इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हमारा पकड़ में आ रहा है 182। अभी इन दोनों को उधर भेज देते हैं ससुराल की तरफ, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का 27 हो जाएगा ये, और ये तो वहीं पर ही है, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अभी इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेने और वहाँ से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो, हमने मल्टीप्लाई करके लाना है 182 और ऐड या सबट्रैक्ट करके लाना है 27। तो ऐसे दो फैक्टर सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करके 182 दे दें और ऐड या सबट्रैक्ट करके हमको माइनस का 27 मिल जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं 182 के ना प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। कैसे हमने इसको निकालना है आसानी से, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से जा रहा हमारा 9 जा और ये जा रहा 1 जा है ना। अभी 7 से चले जाएगा ये, 7 से जा रहा 1 जा, 2 बचेगा, फिर 3 जा चले जाएगा और फिर 13 से जाएगा 1 जा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हमको मिल रहे हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ से आपको मिलेगा 14 है ना, और एक यहाँ से हमको मिल रहा है 13। देखो दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमको कितना मिलेगा, 27। तो ऐड करके हमको 27 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है हमको, 182। तो आई होप आपको फैक्टर्स मिल गए होंगे इसके। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का 27 है, या तो इस माइनस को आप अंदर पकड़ लो, 27 को आप ब्रेक कर दोगे 14 प्लस 13 में और यहाँ से आपका बाहर से x हो गए और प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इतनी चीज़ आपको पकड़ में आ गई होगी। जस्ट यहाँ से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे और उधर से x से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है, x पकड़ में आ रहा है, देखो यहाँ से ये बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से माइनस का 13 पकड़ में आ जाएगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा x माइनस 14 और ये इक्वल टू 0। अभी एक फैक्टर हमारा बन रहा है x माइनस 14 और एक यहाँ से देखो पकड़ में आ रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको आप 0 प्लेस कर दो, x माइनस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 14। एक तो ये मिल रहा है और दूसरा क्या करेंगे, हम x माइनस 13 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 13। देखो एक नंबर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 14 लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक नंबर हमारा 14 हो जाएगा है ना, और दूसरा क्या होगा, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। यहाँ पे रख देंगे इसको, 27 माइनस 14 करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमको 13। तो यहाँ से भी हमारा देखो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हम 14 लेंगे तो 13 निकलेगा और 13 लेंगे तो दूसरा हमारा 14 निकलेगा। तो एक नंबर फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 14 और दूसरा हो जाएगा 13। तो आई होप दोस्त आपका क्वेश्चन पकड़ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।